फ्रेंड्स, आपको जान के खुशी होगी कि फ्री फायर गेम बुया क्रनर और ग्रैंड मास्टर रैंक पे आना कितना मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, आप परेशान नहीं होए, क्यों ऐप बहुत हाई इजी ट्रिक से बुया और ग्रैंड मास्टर दोनों का आनंद ले स्केंच। फ्री फायर की ये टिप्स और ट्रिक कोई नहीं बीटेटा है, क्योंकि फिर सारे लॉग प्रो हो जाओगे। इसलिए वीडियो को शुरू करके लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हो तो बेल आइकॉन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको ये भी टेन वाले हैं कि आराम से फ्रेंड्स के साथ कैसे बुया कर सकते हैं और ग्रैंड मास्टर को चैलेंज कर सकते हैं। उससे पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे फ्री फायर की सारी ट्रिक का चल सके। फ्रेंड्स, वीडियो को एक एग्जांपल के तरीके से समझ के और वीडियो को ध्यान से देख के आराम से ग्रैंड मास्टर को ग्रैंड मदा बीन देंगे। हा हा हा, मुंबई के हलचल भरे शहर में चार दोस्त आरव, रिया, आदित्य और स्नेहा अपनी भयंकर प्रतिस्पर्धी भावना और अटूट दोस्ती के लिए जाने जाते थे। उनकी कई साझा रुचियों में से सबसे प्रमुख रुचि लोकप्रिय मोबाइल गेम फ्री फायर खेलने के प्रति उनका प्यार था। उनकी चारों दोस्तों ने आभासी दुनिया में संघर्ष करते हुए अनगिनत घंटे बिताए, इसलिए उन्होंने खेल में प्रतिष्ठित ग्रैंड मास्टर रैंक तक पहुंचने का सपना देखा। इस रैंक को गेमर्स के बीच सर्वोच्च उपलब्धि, कौशल, रणनीति और समर्पण के प्रतीक के रूप में देखा गया, और आरव, रिया, आदित्य और स्नेहा के लिए ये एक साझा लक्ष्य बन गया, एक चुनौती जिसे वे एक साथ जीतने के लिए दृढ़ थे। कठिन विरोधियों और रास्ते में कई असफलताओं का सामना करने के बावजूद दोस्तों ने कभी भी अपने मिशन को नहीं छोड़ा। उन्होंने अभ्यास करने, रणनीति बनाने और जीत और हार के दौरान एक दूसरे का समर्थन करने में घंटों बिताए। उनके द्वारा खेले जाने वाले हर खेल के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया, उनका संचार निर्बाध रहा, उनका गेम प्ले त्रुटिहीन रहा। ग्रैंड मास्टर रैंक तक की उनकी यात्रा सिर्फ मैच जीतने तक ही सीमित नहीं थी, यह बाधाओं पर काबू पाने, एक दूसरे को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करने और टीम वर्क के वास्तविक सार को अपनाने के बारे में था। आरव शार्प शूटर था, रिया रणनीतिकार, आदित्य रणनीतिज्ञ और स्नेहा उपचारक, प्रत्येक मेज पर कौशल का एक अनूठा सेट ला रहा था। जैसे जैसे वे रैंक में ऊपर चढ़े, एक मजबूत टीम के रूप में उनकी प्रतिष्ठा गेमिंग समुदाय में जंगल की आग की तरह फैल गई। अन्य खिलाड़ियों ने उनके समन्वय, उनकी खेल भावना और सबसे बढ़कर उनकी अटूट मित्रता की प्रशंसा की। वे फ्री फायर की दुनिया में दिग्गज एक ताकतवर ताकत बन गए थे। आखिरकार महीनों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद वह दिन आ गया जब आरव, रिया, आदित्य और स्नेहा ग्रैंड मास्टर रैंक पर पहुंचे। जैसे ही वे अपनी उपलब्धि की महिमा का आनंद ले रहे थे, उनके गेमिंग अड्डे से जयकारी गूंज उठी। लेकिन रैंक से अधिक ये वह यात्रा थी जो उन्होंने एक साथ की थी, जिसने इसे वास्तव में विशेष बना दिया। अंत में ये केवल शीर्ष पर पहुंचने के बारे में नहीं था, यह उन यादों के बारे में था जो उन्होंने बनाई थी, जो बंधन उन्होंने बनाए थे, और उस दोस्ती के बारे में था जो समय की कसौटी पर खरी उतरी थी। आरव, रिया, आदित्य और स्नेहा जानते थे कि चाहे जिंदगी उन्हें कहीं भी ले जाए, उन्हें एक साथ लाने के लिए फ्री फायर हमेशा मौजूद रहेगा, खेल के प्रति उनके साझा प्यार और दोस्ती के अटूट बंधन से एकजुट। डॉट First Doom. Help me. I need equipment.
I need equipment. Double takedown. Need equipment. First Doom. Enemy spotted. Double takedown. Follow me. Roger. Enemy spotted. Stay alert. I am
Enemy spotted. Double takedown. दोस्तों उम्मीद है आपको ये टिप्स और ट्रिक पसंद आए हो। आई लव योर फ्रेंड्स।